अनूप का सुपर हिट्स 95 रेड एफएम पर जीजे 95 पर आप हैं अनूप के साथ एंड जीजे 95 पर गणेश फेस्टिवल चल रहा है एंड इस गणेश फेस्टिवल पर जो सारी सेलिब्रेशन होती है ना उन सेलिब्रेशन का हिस्सा अगर हमारे बॉलीवुड स्टार्स भी बनते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल हमारे पंडाल पे अगर ये बॉलीवुड स्टार्स आते हैं तो क्या सिचुएशन हो सकती है। बच्चन साहब अगर हमारे पंडाल पे आते हैं तो इट कैन बी लाइक दिस, देवियों सजनों चलिए आप और हम मिलकर सेलिब्रेट करते हैं ये गणेश फेस्टिवल आए। अरे देवियों सज्जनों 1 2 3 4 अरे ये मैं आपको केबीसी के चार ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार करा रहा हूँ। आए फिर प्रसाद बांटते समय बच्चन साहब प्रसाद बांट रहे हैं बीच में, अरे हम जहाँ खड़े होते हैं प्रसाद की लाइन वहीं से लग जाती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया बहुत बढ़िया। आए फिर बच्चन साहब ढोल बजा रहे हैं एंड प्रसाद मिस हो गया, क्यों क्यों भाई ढोल बजाने में बिजी है वो, प्रसाद बांटते बांटते प्रसाद वाला निकल गया बच्चन साहब, जाओ जाके पहले उस आदमी से प्रसाद लेके आओ जिसने हमारे हाथ में ये ढोल की लकड़ियां थमा दी, आए के ढोल बजाइए, आए इस चक्कर में यार प्रसाद मिस हो गया हमारा, आए अरे जाइए पहले वो मोरक ला के हमें दीजिए, आए। अरे रिश्ते में तो ये सबके बप्पा लगते हैं, नाम है गणपति बप्पा, आए नो अभिषेक बच्चन नोटी नो मोरिया ओनली गणपति बप्पा मोरिया। वाव यार कैसे हो आप सब लोग यार, कम ऑन बेबो तैमूर मेरे साथ बोलो गणपति बप्पा मोरिया, बोलो यार तभी प्रसाद मिलेगा, एवरीवन प्लीज गणपति बप्पा मोरिया। ए मैन लेट मी टेल यू, जब भी मैं मोदक देखूं मेरा दिल दीवाना बोले हे गणपति बप्पा मोरिया। ए मैन लेट मी टेल यू, ये इतनी बढ़िया वाली सेलिब्रेशन देख के मेरा मन कहता है कि यार कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है सब कुछ नया है। मैन सनी बाजी जब मंडप पे पहुंचेंगे तो सीन कुछ ऐसा होगा, ओए ओए गणपति बप्पा मोरिया, ओए मेरे रहते इधर किसी माइक की जरूरत नहीं है, सारे माइक हटा दो नहीं तो मैं उखाड़ दूंगा, ओए नो इफ नो बट ओनली मोदक का प्रसाद फॉर दिस जट, ओए चड्डा चड्डा ये 2.5 किलो का हाथ जब गणेश पंडाल के सामने रखे ढोलों पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उतर जाता है, अपने अपने घरों से नीचे उतर जाता है पंडाल के सामने आ जाता है आरती के लिए, तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ मिलती रही है, जब भी मैंने सोसाइटी वालों के सामने गणेश फेस्टिवल के अंदर डांस परफॉर्मेंस दिया मुझे सिर्फ तारीफ ही मिली है, क्योंकि सोसाइटी वाले अपने होते हैं और अपने तो अपने होते हैं पापा, यमले पगले दीवाने होते हैं, है ना बाबी। शाहरुख खान अगर ये पंडाल पे मंडप पे मौजूद हो तो क्या सिचुएशन हो सकती है। इतनी शिद्दत से मैंने ये लड्डू पाने की कोशिश की है कि हर प्रसाद बांटने वाले लड़के ने मुझे इस मोदक से मिलाने की साजिश की है। बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े मंडपों पे ऐसे छोटे छोटे लड्डू बटते रहते हैं सेनोरिटा। कभी कभी डबल प्रसाद पाने के लिए लास्ट तक रुकना पड़ता है एंड लास्ट तक रुक के डबल प्रसाद पाने वाले को प्रसादी घर कहते हैं, प्रसादी घर में प्रसादी घर। आ गए पंडाल के सामने मुंह उठा के। सोच क्या आए होंगे कि ढोल नगाड़े बजाएंगे प्रसाद खाएंगे हाउसी खेलेंगे। ए कलम वाले भाई नहीं दीदी आपने वो कलम वाले भाई, ए कलम वाले भाई बताए इनको तेजस निकला है हाउसी के लिए टिकटे लेने, जब तक वो टिकटे लेके नहीं आएगा तब तक हरी भाई शुरू नहीं होगी हाउसी शुरू नहीं होगी, तब तक के लिए ऐसे प्रसाद के सामने लार टपकाए खड़े ना रहे। बता इनको दूर खड़े होने को और जोर से चिल्लाने को, गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा मोरिया। सुपर हिट्स 95 रेड एफएम पर जीजे 95 पर ऐसी ढेर सारी और बातों के साथ मिलूंगा मैं आपको फिर से। वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं एंड मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं RJ अनूप ANUP सुपर हिट्स 95 रेड एफएम पर।
स्टे ट्यून्ड एंड बजाते रहो रेड एफएम 95।